जय हिंद, आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसा कि हम लोग डेली वाइज में जो न्यूज पेपर आती है दैनिक जागरण और जनसत्ता का, हम लोग उसको एनालिसिस कर रहे हैं डेली वाइज पर। जैसे कि कल का सेशन में हम लोग बहुत अच्छे से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर किए थे, और आज के सेशन में हम लोग आज के डेट की, जैसे कि 24 अप्रैल है, 24 अप्रैल में जो भी दैनिक जागरण और जनसत्ता में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिए गए हैं उसको हम लोग कोशिश करेंगे कवर करने का। और हम लोग कोशिश करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे आर्टिकल्स को लेने का, है ना। तो ऐसे आर्टिकल्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें से जो हमारे लिए है, हमारे लिए लाभदायक है, उनको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसी को कवर करें। तो चलिए देखते हैं, इस सेशन में हम लोग को जो है ना दैनिक जागरण और जनसत्ता दोनों को हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। यानी कि हिंदी माध्यम में दो ऐसे न्यूज़पेपर हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके आर्टिकल्स काफ़ी अच्छे होते हैं, है ना। तो हम लोग उसमें दोनों के दोनों आर्टिकल्स को कवर करेंगे, दोनों के दोनों न्यूज़पेपर को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दैनिक जागरण को देख रहे हैं, दैनिक जागरण में जो भी आर्टिकल्स दिए गए उसको देखते हैं, उसके बाद हम लोग जनसत्ता को भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, दैनिक जागरण में जो है एक आर्टिकल्स दिया गया था, उसमें क्या कहा जाता है कि डाटा खपत में रिलायंस जियो बनी दुनिया की नंबर वन कंपनी। देखिए, कल के सेशन में भी हम लोग देखे हुए थे कि रिलायंस जो है ना भारत का सबसे मतलब कि पहला ऐसा कंपनी बन गया है जो 10 लाख करोड़ रुपया का कारोबार किया है। कल के डेट में ये हम लोग आर्टिकल्स को कवर किए थे, और आज के डेट में ये आर्टिकल्स आया हुआ है कि डाटा के खपत में जो है ना सबसे ज्यादा जो है ना अग्रणी है, ये पूरा विश्व में जो है ना रिलायंस ही है, रिलायंस जियो जो है सबसे ज्यादा डाटा खपत किया हुआ है इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल की तुलना में, है ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, और इस आर्टिकल्स को मैंने लेने इसलिए लिया ताकि आपको जो जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये आप इस कोड को ऐड कर सकते हो, ठीक है, जो करंट से हो इससे संबंधित जो भी हो तो आप बीच में कोड ऐड कर सकते हो, तो इससे आपका आंसर राइटिंग बेहतर होगा, है ना। तो ये डाटा खपत में रिलायंस जो है ना, रिलायंस जियो बड़ी दुनिया का नंबर वन कंपनी, और इसी में जो है ना इस पिछले साल की तुलना में जैसे कहा जाता है इसका खपत कितना किया था, 40.9 एक्सा बाइट किया था, है ना। 40.9 एक्सा बाइट जो है इन्होंने डाटा खर्च किया था। नहीं, डाटा खर्च क्या मतलब होता है कि जैसे आप जियो कंपनी का यूज कर रहे हो सिम, तो उसमें जो डाटा यूज कर रहे हो तो उसी का सारा जितने भी यूजर्स हैं उसको इंक्लूड करके जो है टोटल जो है 40.9 एक्सा बाइट यूज किया है, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये दुनिया का सबसे मतलब कि ज्यादा डाटा खपत करने वाला कंपनी बन गया है रिलायंस जियो, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसी में अगर हम लोग दूसरी स्थान पर बोले पूछे जाए तो सेकेंड स्थान पर रहा है चाइना कंपनी का, एक कंपनी है चाइना मोबाइल का लुकरकर, ठीक है, लुकरकर कंपनी है जो सेकेंड स्थान पे है, वो चाइना का है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि चाइना का एक कंपनी है लुकरकर, वो दूसरे स्थान पे है डाटा खपत करने में। और इसी में हम लोग का भारत में जो है ना एक और एयरटेल कंपनी का चलता है, उसका स्थान अगर पूछे जाए तो ये चौथा स्थान पे एयरटेल रहा है। तो पहला स्थान पे रिलायंस जियो, दूसरा स्थान पे लुकरकर जो चाइना कंपनी का है, उसके बाद अपना एयरटेल जो है ना चौथा स्थान पे है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, इस आर्टिकल्स को आपको ध्यान रखना है, आपको कथन और कूट वाले ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल को हम लोग देखें, नेक्स्ट आर्टिकल में आपका ये दैनिक जागरण का ही है, हम लोग बता देंगे जनसत्ता आएगा तो, है ना। तो सबसे पहले बात देखिए, ये दैनिक जागरण का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है, सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाला चौथा देश बना भारत। यानी कि सैन्य विभाग में जो है ना खर्चा करने में भारत का स्थान चौथा स्थान है, जो बहुत बड़ी बात है, है ना। सेना में काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, तो उसके बारे में एक आर्टिकल आया हुआ है, ये आर्टिकल आपको दैनिक जागरण और जनसत्ता दोनों में दिया गया था, है ना। तो हम लोग दोनों को कवर कर रहे हैं। उसके बाद इसमें देखिए क्या है, इसमें जो ना पिछले साल कुल खर्च कितना किया था, 8360, यानी कि 8,360 करोड़ डॉलर रुपये जो ना सिर्फ भारत सरकार खर्च किया था, करोड़ डॉलर जो है ना सिर्फ भारत सरकार ने सेना विभाग में खर्चा किया था। और इसी में हम लोग का पहला स्थान दूसरा स्थान के बारे में पूछे जा सकते हैं, आपको ये भी पूछे जा सकते हैं कि सैन्य विभाग में जो खर्चा करने वाला सबसे मतलब पहला स्थान पे कौन है, तो ये आपका अमेरिका हो जाएगा, और दूसरा स्थान पे हो जाएगा चीन, तीसरा स्थान पे हो जाएगा रूस, है ना, चौथा स्थान पे अपना प्यारा देश भारत। और देखिए, आपका बैकग्राउंड से जो भी साउंड आ रहे हो उसको आप इग्नोर कीजिएगा, सिर्फ मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए, ठीक है, है ना। बैकग्राउंड का अगर बातों पे रहा हूं तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारे मतलब शोरगुल होता है, मैं कोशिश करूंगा कि इसमें शांति आए, है ना, फिर भी लेकिन जो है थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला हो गया अमेरिका, दूसरा में आ गया चीन, तीसरा में रूस, और चौथा में अपना प्यारा देश भारत। ये रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी किया गया, ये आपको पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में। जैसे पिछले साल की तुलना में अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में इस पैटर्न पर जो सवाल पूछे जाते हैं प्रीलियम्स में, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में, कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, किसका ये ऑनर क्या होता है, ये कौन से कार्यकाल का है, मतलब इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, है ना। इसका रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया था, ये एस्कॉट ऑफ इंटरनेशनल पीच रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसको सीपीडी हम लोग कहते हैं, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया था।
सैन्य विभाग में भारत सरकार का चौथा स्थान है और पहला स्थान है आपका अमेरिका, दूसरा स्थान चीन हो जाएगा, तीसरा स्थान रूस हो जाएगा, है ना, चौथा अपना प्यारा देश भारत हो जाएगा। इसमें भारत सरकार ने टोटल कितना खर्च किया है, 8,360 यानी कि $8,360 करोड़, है ना, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये आर्टिकल इस तरह से दिया गया था। उसके नेक्स्ट आर्टिकल में एक आपको दिया गया है, आप इसको जो ना करंट से जोड़ सकते हो, इसको जो ना आप इसमें आपको क्या करना, आपको मैं ध्यानपूर्वक सुनिए। पहली बात देखिए इस आर्टिकल में क्या दिया गया, ताइवान में 200 से ज्यादा भूकंप के झटके मिले। अभी देखोगे ताइवान में जो लगातार भूकंप के झटके देखने को मिल रहा है, कल के डेट में भी 200 बार से ज्यादा झटका देखने को मिला है। हालांकि कल के जो भूकंप आया तो वो ज्यादा मतलब खतरनाक मतलब कि नुकसानदायक नहीं है, एक भी मौत वगैरह नहीं हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इससे पहले जो 3 अप्रैल को हुआ था ताइवान में ही, तो वहां पे जो ना बहुत सारे लोगों की जान भी गई थी और अच्छा खासा तीव्रता से भी आया हुआ था। तो आप इस पे क्या करोगे कि भूकंप आखिर आता कैसे है, ये भूकंप से संबंधित जितने भी ज्योग्राफिकल टर्म आएंगे उसको आपको ध्यान से पढ़ना है ना। ये करेंट से संबंधित आपका जैसे एनवायरमेंटल हो गया और ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उसको आप देखोगे कि भूकंप किस तरह से आते हैं और इसका क्या क्या प्रक्रिया है, और ताइवान में अभी लगातार चल रही है तो इससे आपको मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। इससे पहले भी आप देखोगे अगर बीपीएससी का मेंस 69 का मेंस आप क्वेश्चन देखोगे तो उसमें भी आपका भूकंप से संबंधित सवाल पूछे गए थे, तो आप इसको ध्यान देंगे, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट में आपका देखिएगा, नेक्स्ट ये आर्टिकल्स काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसको स्टार लगा के वीवीआई कैटेगरी में डाल सकते हो। क्या है आर्टिकल, नोवाक जोकोविच ने जो 5वीं बार जीता लॉरेंस पुरस्कार, ये 5वीं बार ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने लॉरेंस पुरस्कार जीता, इसका नाम है नोवाक जोकोविच। आप देखे होंगे जो भी आप प्रैक्टिस सेट में अगर आप प्रैक्टिस करते होंगे कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम के, तो उसमें आप देखोगे इससे संबंधित कोई ना कोई सवाल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। हर प्रैक्टिस सेट में यार आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखोगे तो इससे इस खिलाड़ी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपका लेटेस्ट में अभी करेंट में ही ये जो पांचवी बार लॉरेंस पुरस्कार जीता है, तो ये भी आपको देखने में तो देखने को मिल सकता है। तो इसमें देखिए ये कहाँ के हैं, ये सर्बिया के हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे, कौन नोवाक जोकोविच, और ये जो ना इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो ना ये खिताब जीता है, ये भी आप ध्यान रखोगे कि इस वर्ष के जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है, आपका नोवाक जोकोविच है, है ना। ये फुटबॉलर है और रोजर फेडरर की बराबरी किया है, ये जो ना रोजर फेडरर जो है ये भी 5 बार लॉरेंस पुरस्कार जीता हुआ है। तो इस तरह से ये दूसरा ऐसे खिलाड़ी हैं जो 5वीं बार लगातार जो 5वीं बार ये लॉरेंस पुरस्कार के खिताब अपने नाम किया है, इसका नाम है नोवाक जोकोविच, यानी कि रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच जो है ना ये 5 बार लॉरेंस पुरस्कार का विजेता है ना, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया था, ANFL के दिग्गज टॉम ब्रेडी द्वारा इस पुरस्कार को दिया गया था, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये पुरुष का हो गया, है ना। अब हम लोग महिला के बारे में भी जानते हैं, लॉरेंस पुरस्कार महिला में कौन जीती है, तो इसके बारे में देखिए, इसका देखिए कहा जाता है सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी जो है मिडफील्डर एटना बोनमाती, इसका नाम है मिडफील्डर एटना बोनमाती, है ना, ये स्पेन की है, इन्होंने इस वर्ष का जो है ना लॉरेंस पुरस्कार जीता है, और ये महिला में ये ऐसी पहली महिला है जो है ना पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने लॉरेंस पुरस्कार के साथ साथ ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए बेलन और डियोर पुरस्कार भी दिया गया, इसको दिया गया है, ये इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ये जो है आपका एताना, आपको आपको ऑब्जेक्टिव पे में सिर्फ एताना भी ध्यान में मतलब कि देखने को मिल सकता है, इसका शॉर्ट नाम है एताना, ठीक है। एताना को जो है ना ये लॉरेंस पुरस्कार भी मिला है, इसके साथ साथ जो है ऐसी पहली खिलाड़ी महिला खिलाड़ी बनी हुई है जिसको जो बेलन है ना बेलन डियोर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे, ये भी आपका इंपोर्टेंट कैटेगरी में आएगा, है ना। ये दो आर्टिकल्स काफी इंपोर्टेंट था, पुरुष वाला और महिला वाला, इससे संबंधित सवाल देखने को मिलता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इस तरह से हमारे दैनिक जागरण में ये हमको मेरी नजर से इतने आर्टिकल्स इंपोर्टेंट था और मैंने इसको कवर किया। और अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले जनता जनसत्ता का, है ना, जनसत्ता में जो भी कुछ आर्टिकल्स दिए गए थे उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला आर्टिकल हमको जनसत्ता में हमको दिखा, एक गर्भाशय कैंसर से बचेगी हजारों महिलाओं की जान। अभी देखिए एक डॉक्टर के विभाग में जो है ना क्या किया है, एम्स के डॉक्टर ने एक कीट का प्रशिक्षण किया है, वो काफी ज्यादा मतलब ये आर्टिकल मैंने देखा ना बहुत खुशी हुई जानकर मुझे, है ना, बहुत ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि इसमें अब होता क्या है देखिए, इसके बारे में पहले जानते हैं उसके बाद में बताता हूं क्या हुआ है। गर्भाशय कैंसर से बचेगी हजारों महिलाओं की जान, इससे क्या होगा, एम्स के जो है एटॉमी विभाग के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सुविधा के प्रभारी टीसी नाग और सुभाष चंद्र यादव, इन्होंने एक कीट का प्रशिक्षण किया है, खोज किया है, उसमें क्या होगा जो गर्भाशय में जो भी कैंसर की बीमारी होती है ना, इसके कीट के माध्यम से मात्र 1.5 से 2 घंटे के अंदर पता लगा सकते हैं कि कैंसर है या नहीं है गर्भाशय में,
है ना, जो महिलाओं के लिए प्रति जो है कैंसर होती है मात्र 1.5 से 2 घंटे के अंदर ये जानकारी प्राप्त हो सकती है कि इसका कैंसर है या नहीं है। और इसमें जो ना आपको मात्र खर्च कितना आएगा पता है, मात्र 100 रुपया। और अगर आप जैसे कैंसर के आप जानकारी प्राप्त करना चाहोगे ना तो आपको जो बायोस्पी करवाया जाता है, बायोस्पी में लगभग 4 से 5, 6, 7, 8 दिन लग जाता है उसका रिपोर्ट आने में। उसके बाद आपका जो है ना सही तरीके से रिपोर्ट पता चलता है कि क्या सही में कैंसर है या नहीं है। और यहाँ एम्स के डॉक्टर ने कीट का प्रशिक्षण किया है, तो कीट का प्रशिक्षण किया है एम्स के डॉक्टर ने, तो ये काफी ज्यादा गर्वान्वित की भावना है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, महिलाओं गर्भाशय कैंसर के जांच के लिए ये एक किट माध्यम से मात्र 1.5 से 2 घंटे में कवर करा जाएंगे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट आर्टिकल रहने वाला है एशिया 2023 में सर्वाधिक आपदा प्रभावित क्षेत्र रहा है, यानी कि एशिया जो है ना पिछले साल 2023 में सबसे ज्यादा आपदा से प्रभावित मतलब कि ये क्षेत्र रहा है। इसमें क्या हुआ, यहाँ पे आप देखोगे जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, जो आपदा प्रबंधन से संबंधित है ना वो सबसे ज्यादा देखने को मिला है एशिया महाद्वीप में। तो ये आप ध्यान रखेंगे, एशिया जो है 2023 में सर्वाधिक आपदा प्रभावित क्षेत्र बढ़ा है। और मौसम और जलवायु परिवर्तन के विभाग ने इसके बारे में सूचना दी है, और विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है इसके बारे में ये जानकारियां हमें दी है। इस रिपोर्ट के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि 2023 में जो है ना एशिया सबसे ज्यादा आपदा प्रभावित क्षेत्र रहा है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और इसमें जो सबसे ज्यादा आपको लू का कहर देखने को मिलेगा है ना, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे कि एशिया जो है ना भी सबसे ज्यादा रहा था। एशिया में प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, इसमें आपको ज्यादातर देखने को मिला है, तो आप इस आर्टिकल्स को भी देख सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ये भी जनसत्ता के ऐसे आर्टिकल था। और आपको पता ही होगा कि न्यूज में जो भी आएंगे वो लगभग सारे